अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास स्टूडेंट, टुडे आवर लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 7, टॉपिक द इंटरनेट। स्टूडेंट्स, एनीवन नो अबाउट द इंटरनेट? इंटरनेट टुडे मोस्टली यूज्ड इन एवरीथिंग एंड इंटरनेट प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज। सो वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेट, the internet is a global network of computers. The user need a telephone dial-up, DSL or a cable modem, a gateway. We use there a word gateway. What is gateway? Gateway is a permit also called permission to connect it with the LAN. LAN stands for local area network, and local area network example of our one block of building इंटरनेट कनेक्शन एंड वन ऑफिस कनेक्शन ऑफ द इज कॉल्ड लैन। लैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द ब्राउजर। डेटा ऑन अ कंप्यूटर इज ट्रांसमिटेड अलोंग टेलीफोन लाइन्स, DSL केबल्स और वायरलेस मीडियम। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग को बताया गया है कि हम लोग जो इंटरनेट है वो यूज़ करते हैं। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। आजकल हम लोग हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी हुई है किसने? इंटरनेट ने। इंटरनेट पे हम लोग मैप देख सकते हैं, किसी भी प्लेस का कोई भी मैप देखना हो, पूरे मुल्क का हम लोग देख सकते हैं इस पे मैप। कोई भी प्लेस हम लोगों ने देखनी हो और उसकी जो लोकेशन है वो भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं मैप के थ्रू। बाद में हम लोग इस इंटरनेट यूज़ करके ऑनलाइन क्विजेज दे सकते हैं, टेस्ट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टोरीज डाउनलोड कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स रीड आउट कर सकते हैं और अपने लेक्चर्स बना सकते हैं। इसलिए आजकल जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंटरनेट में हम लोग को ये फैसिलिटी दी गई है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपने बिल भी पे कर सकते हैं और अपनी जो पे है, पे मीन्स हमारी जो रेवेन्यू है उसको भी हम लोग बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ब्राउजर, एन इंटरनेट ब्राउजर इनेबल अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड व्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वी यूज़ ब्राउजर टू सी द इंटरनेट एंड how to perform tasks on the internet by browsing. If you have browser, you can see the anything on the internet. If you have no browser, you don't connect to the internet. First of all, you have browser. After that, other step to connect to the internet. Viewing content on the world wide web requires a web server, a powerful and complex computer that can be connected to millions of users. Many users connected through the browser on the internet. By using browsers on the internet, connected with each other and sharing their ideas and our thoughts and communicate with each other like a real environment. So in this picture you see the different type of browser: Chrome, Internet Explorer, Opera. Now we move to the next slide. ISP stands for Internet Service Provider that provide the internet service. The companies that maintain these computers are called Internet Service Providers. Different companies provide the our employees to our record of employees through the internet. ISP assign a username and password to each user to connect to the internet. इसमें बेटा बताया गया है कि हम लोगों को जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, डिफरेंट कंपनीज इसको यूज़ कैसे करती हैं। कोई भी कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉय होगा उसको हर कंपनी एक असाइन करेगी अकाउंट। उसका जो अकाउंट असाइन करेगी वो किसके साथ अटैच होगा, उस वो इंसान उस पोर्टल में ऐड होगा जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। तो वो एक पोर्टल बना होगा जिसमें वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी कोई न्यूज़ है कुछ भी शेयर करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन है जो दूसरे
क्लाइंट्स को देनी है, तो वो सब कुछ एक पोर्टल बना होता है, उसमें डिस्कस करते हैं और उस पोर्टल के लिए उन लोगों को एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड साइन किया जाता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड, ब्लॉगिंग। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग इनेबल्स अ यूज़र टू क्रिएट अ ऑनलाइन जर्नल कॉल्ड अ ब्लॉग। वी क्रिएट अ डिफरेंट ब्लॉग्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड राइट स्टोरीज, नॉवल्स एंड कुकिंग, कंप्यूटर्स एंड ट्रेवलिंग, अबाउट एनी थिंग। यू कैन अपलोड द ब्लॉगिंग ऑन द इंटरनेट। द यूज़र कैन यूज़ यू कैन अपलोड इंटायर इन द ब्लॉग एंड राइट ऑन वेरियस टॉपिक्स। सो यू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग ऑन देयर डिज़ाइन। Today our lecture is end, so listen it carefully. Allah Hafiz.